नेपाल में इस साल 2020 पर्यटन वर्ष मनाया जा रहा है। दुनिया भर के लोग वहां घूमने के लिए बेताब हैं और इस पावन अवसर पर भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, गायिका इंदु सोनाली, नेपाली भोजपुरी गायिका सेलिना कुंवर, संतोष राज, केकी अधिकारी, विजय यादव, निर्विज, सुनील पंडित, अर्जुन वीसी, सरिता शाह, रचना शिवाकोटी इत्यादि 18 फरवरी को नेपाल के रौथट जिले के मौलापुर में आ रहे हैं, जहां पर 1200 वर्ष पुराना पुरातात्विक महादेव मंदिर मिला है। उसी मंदिर के प्रांगण में भगवान महादेव की विशेष अनुष्ठान मधानी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नेपाल के सम्माननीय राष्ट्रपति की विशेष उपस्थिति होगी। आइए इस पावन अवसर पर सुंदर देश के नगरी मौलापुर चले और मधानी महायज्ञ में सहभागी बने, जहां पर दिन में सम्माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में महादेव की आराधना की जाएगी और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खूब मस्ती और धमाल होगा। इस आयोजन के लिए विशेष धन्यवाद माननीय प्रभु साहब जीव को दिया जाता है, साथ ही आयोजक मौलापुर नगरपालिका और एस राज प्रोडक्शंस को भी धन्यवाद दिया जाता है। कार्यक्रम स्थल है पुरातात्विक महादेव मंदिर प्रांगण मौलानापुर पनौरा रौथट। रौथट जिले के मौलापुर स्थित इस मंदिर में 2076 फागुन यानी 18 फरवरी 2020 को होने वाली मधानी महायज्ञ के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए महायज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए आप सभी को भी हार्दिक आमंत्रण है। तो आपको बता दें कि नेपाल में इस साल 2020 का पर्यटन वर्ष मनाया जा रहा है, जिसमें भोजपुरी के नामी कलाकार भी शामिल होंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ, अमरपाली दुबे, गायिका इंदु सोनाली, बहुत सारे बड़े बड़े सितारे शामिल होंगे। और साथ ही साथ इस दिन यानी 18 फरवरी को दिन में वहां पर पूजा अर्चना भी किया जाएगा, जिसमें नेपाल के माननीय राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे। और रात में जब शाम होगी तो शाम दिनेश लाल यादव और निरहुआ की जोड़ी धमाल करेगी। महादेव मंदिर के प्रांगण में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम नेपाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें भोजपुरी कलाकार भी शामिल होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, आप लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।